जिला हमीरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हमीरपुर के गांधी चौक पर पंजीकरण काउंटर लगाया गया है। विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला ने बताया कि विद्यार्थी परिषद पंजीकरण काउंटर के माध्यम से कोरोना टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक लोगों को पंजीकृत करवा रहा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिन में लगभग 80 लोगों का पंजीकरण किया गया और प्रतिदिन विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये काउंटर गांधी चौक पर लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण कोरोना की इस जंग में करवा सके। अविनीश शुक्ला ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर सभी उपमंडल पर पंजीकरण काउंटर खोल रहा है तथा लोगों को पंजीकरण करवाने तथा वैक्सीनेशन लगवाने के प्रति जागृत भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस पंजीकरण अभियान में मुख्य रूप से नगर परिषद अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने सपरिवार पंजीकरण करवाया और लोगों से भी अपील की कि सभी लोग जल्द से जल्द टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाएं और कोरोना की इस जंग में प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें। सर्वप्रथम वंदे मातरम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर के द्वारा वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है गांधी चौक पर लगाया गया। इसमें यहां के नगर पार्षद मनोज मिन्हास जी के द्वारा पूरे परिवार सहित अपना रजिस्ट्रेशन करवाया गया। पूरे जिला हमीरपुर में हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए जाएंगे। मेरा सभी हमीरपुर वासियों से यह निवेदन है कि इस रजिस्ट्रेशन में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा कोरोना की इस जंग में सहभागी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने सपरिवार पंजीकरण करवाने के बाद लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाएं। आज मैंने अपना जो इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो कैंप लगाया, यहाँ पे मैंने वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई और मैं लोगों से जो नगरवासियों सबसे अपील करता हूँ कि अब वो भी जो भी 18 से 45 वर्ष की आयु में जो भी हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, जल्दी से जल्दी करवा लें, ताकि इससे हमारे जो बीमारी की जो संक्रमण बीमारी की क्षमता है वो हमारी ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी।